अमित देवगन ने एक डिबेट के अंदर हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज के शान में गुस्ताखी करने पर हिंदुस्तान में लोग उनके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। हिंदुस्तान में हर कोने से दबाव आने पर अमित देवगन ने अपनी गलती मानते हुए सारी दुनिया के जहां पर भी ख्वाजा गरीबन नवाज के चाहने वाले हैं उन तमाम लोगों से माफी मांगी है। अमित देवगन, कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है, बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हर हाल में पहुंचा रहे हैं। सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर एक बहस यानी डिबेट की थी। इस के दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपने इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है क्योंकि बंदा नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं और उनकी जियारत करता हूं, फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। नमस्कार।